पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैंने विधानसभा 30 बिलारी से नामांकन कराया बीएसपी से। क्या तैयारियां हैं चुनाव में, आप मैदान में रहेंगे, किस तरह की चुनाव की तैयारियां? मेरी 15 साल से हैं, 15 साल से मैं बीएसपी से चुनाव लड़ रहा था। दो बार मेरा टिकट कट गया, तीसरी बार मेरा पर्चा दाखिल हो गया। क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे मेरे विकास के हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सबसे आगे हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा बिलारी में 244 गांव है, जो मैं 187 गांव मैंने विकास किया पहले से। सब लोग भली बात ही जानते हैं। किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला पर्चा भरने का था। 15 साल में पर्चा भर गया, कोई मुकाबला मेरा किसी से नहीं। ये बड़ी उपलब्धि है पर्चा भरना। मैं बिलारी में किसी कंपटीशन नहीं मानता, क्योंकि मैं 15 साल से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी पत्नी बीच में 3 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही, मैंने वो काम करके बिलारी में दिखाया जो जनता को जरूरत है। अब बसपा में विश्वास कहा जाएगा? अभी 4-5 साल पहले तो आप बहुत ही गालियां दे रहे थे। मैंने कभी बसपा गाली नहीं दी, बसपा गाली देता आज मैं चुनाव कैसे लड़ता नहीं। आपने कहा था कि मेरा इतना पैसा लग गया, ये हो गया, हमने उसको कवर किया था उस प्रोग्राम को पूरे। नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बसपा को नहीं कहा, मैंने व्यक्तिगत एक विशेष आदमी को कहा था, बसपा को नहीं कहा, जिसने बहन जी को धोखा दिया था। नाम लिया था आपने? नहीं, कभी नहीं लिया। आप मेरी वाइट दिखा दीजिए। नसीम सिद्दीकी ने बहन जी गुमराह किया और मुझे नुकसान दिया। अभी क्या माहौल है वहाँ आपके बिलारी क्षेत्र? बसपा का माहौल है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।